सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हमने देख लिया कि इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है ग्रेजुअल प्रोसेस है इवोल्यूशन सिंपल से कॉम्पलेक्स तरफ बढ़ा और बहुत धीरे धीरे बढ़ा हमने सारी चीजें स्टडी कर लिया अब हमको ये देखना है कि इवोल्यूशन का एविडेंसेस कि हम सब लोग जो मैंने लास्ट में लाइन बताया था कि वी ऑल आर अ कनेक्टिंग डॉट्स राइट जो एक बड़े पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है हम सबके एंसेस्टर्स क्या थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में कॉमन थे तो उसको जस्टिफाई करते हैं राइट right? तो अगर हम लोग देखेंगे राइट कलेक्टिव थिंकिंग करते जितने भी थियोरी मेंशन की गई कि जो इवोल्यूशन है एवर लास्टिंग प्रोसेस है अभी भी इवोल्यूशन होते रहेगा राइट right? तो उसके कुछ क्या है एग्जाम्पल्स है सॉरी एविडेंसेस है तो फर्स्ट एविडेंस क्या है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस तो अगर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के अगर बात करो राइट right? तो सबसे अगर इन केस ऑफ प्लांट्स आप देखो इन केस ऑफ प्लांट्स देखो तो आप देखोगे कि हर एक प्लांट अलग है राइट right? अलग है उसके लीफ का शेप अलग है फ्रूट्स अलग है फ्लावर अलग है बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे उसमें तो उसमें आपको क्या दिखेगा नोटिस करोगे तो कि अगर आप लीव्स के देखोगे लीव्स को राइट right? तो एक लीव्स नॉर्मली आपको कैसा होगा ऐसा वेनेशन दिखेगा रेटिकुलर वेनेशन दिखेगा राइट right? भले प्लांट अलग है बट आप मैक्सिमम प्लांट में आप देखोगे अगर उनको कंपेयर करो तो उनका लीफ में आपको ऐसा वेरिएशन दिखेगा या फिर समझो आपने ग्रास का एग्जांपल ले लिया राइट right? ग्रास में आपको पैरेलल दिखेंगे तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन ये दोनों वेनेशन आपको दिखेंगे दूसरा चीज अगर आप थ्रू आउट देखोगे तो आपको दिखता है हाँ भाई ये लोग सब क्या है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं इसके लिए बहुत नॉलेज होने की जरूरत नहीं है कि भाई की इवोल्यूशन में थैलोफाइटा एक सिंपल सा देख के मालूम पड़ता है रहे, सब प्लांट्स का एक कॉमन एंसेस्टर था और ये सब प्लांट्स एक फैमिली में बिलोंग करते उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि एनिमल्स की बात करूं राइट अब तीनों एनिमल्स को यहाँ पे देखो राइट तीनों एनिमल्स को आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि तीनों अलग है टोटली अलग अलग बोलते ना एनिमल से बट इनका नोज देखो इनके आइस का पोजिशन देखो लगता है ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम में राइट right? ये सब के सब क्या थे इन सब का जो इवॉल्व हुआ वो कहां से हुआ है कॉमन एंसेस्टर से इवोल्यूशन हुआ राइट right? नोज का पोजिशन देखो सबका राइट आइस का, right? का पोजिशन देखो ठीक है ज्यादा सर्कल नहीं करता हूं वो बुरा मान जाएंगे देन उसके बाद मैं आगे देखता हूँ तो आगे हम लोग देखेंगे वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पोजिशन ऑफ आइस नोस्ट्रल्स देखेंगे राइट right? Year, देखेंगे राइट ईयर पिन आप देखोगे फिर उसके बाद हेयर्स के बारे में देखोगे तो बहुत सारे जगह पे क्या देखा आपको क्या दिखेगा सिमिलैरिटी दिखेगा राइट लिफ के शेप को देखोगे लिफ के वेनेशन को जो मैंने बताया अभी आपको राइट right? पेट्रल देखोगे पेटीओल आप देखोगे ध्यान से तो ऐसा होता है राइट right? जहां से आपका लिफ्स आते हैं right? राइट फिर ये सब चीज आपको मिलेगा तो दिस इंडिकेट्स सम इंडिकेट्सैरिटीज वेद राइट इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड इट मस्ट हैव द कॉमन एंसेस्टर्स राइट right? दूसरा एविडेंस पे आते हैं एनाटोमिकल एविडेंस तो इसका देखो सबसे पहला क्या था मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से राइट उसके हिसाब से हमको समझ में आता है कि एनसिस्टर एक ही था उसके बाद हम देखते हैं एविडेंस तो एनाटोमिकल एविडेंस में आपको क्या दिखेगा एनाटोमिकल एविडेंस में क्या दिखेगा अब ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि एक ह्यूमन का हैंड दिया कैट है, का फोर लेग दिया बैट का पैटेजियम दिया और वेल का फ्लिपर दिया है. ये सबके सब अलग है सर सबके सब अलग है राइट right? सबका काम भी अलग है बट सर हमको अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इनके जॉइंट्स को देखेंगे ना तो दिखता है कि जॉइंट्स को कि ऑलमोस्ट इनके जो जॉइंट्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है बहुत सिमिलर है तो इससे पता चलता है भले ही एक ह्यूमन का हाथ अलग काम करता है कैट का फोरलेग अलग काम करता है बैट का पटेजियम अलग काम करता है वेल का फ्लिपर अलग काम करता है राइट ये लोग अलग अलग एनिमल्स है बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम में इनके एनसिस्टर कॉमन थे तभी जाके सिमिलैरिटी दिख रही है ना राइट तो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स दैट सीम टू बी एनी सिमिलैरिटी राइट बट अगर आप सिमिलैरिटी देखोगे किसमें देखिएगा बोन के स्ट्रक्चर में उनके जॉइंट्स में तो यस अगेन इट स्पेसिफाइज दैट वी हैड अ कॉमन एनसिस्टर राइट इसमें देखो दिया है व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑर्गन्स यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली नो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते जो बहुत टाइम पहले काम करते थे बट आज के हिसाब से वो लोग काम नहीं करते तो उसमें से एक आता है वेस्टिजल ऑर्गन तो वेस्टिजल ऑर्गन क्या होते हैं जो डीजेनरेटेड

आपका फोन वही है सिर्फ अपडेट नया नया आ रहा है मतलब आपका बॉडी वही है बट आपके जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं राइट उनके अंदर ग्रेजुअल चेंजेस हो रहा है इवोल्यूशन के हिसाब से तो सबसे और वो क्यों हो रहा है बिकॉज सिचुएशन थोपा जा रहा है उस पर और वो सिचुएशन कौन थोपता है नेचर अगर उसके हिसाब से आपने काम नहीं किया तो नहीं होगा कुछ भी तो कुछ आपके ऑर्गन क्या हो सकते हैं यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल बराबर हार्मफुल मतलब यहाँ पे आप ऑर्गन के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ मैं सॉरी मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ नेचर के हिसाब से आपको कुछ चीजें आपके लिए यूजफुल रहेगी और कुछ चीज आपके लिए हार्म करेगी राइट तो ये होता क्या है जैसे ऑर्गन अपना जैसे ह्यूमंस या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई स्ट्रक्चर को यूज करना बंद कर देता है तो धीरे 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 क्या होता है वो स्ट्रक्चर तो रहता है बट वो फिर आगे अपडेट नहीं होगा आगे एडवांस नहीं होता है और धीरे धीरे वो काम भी नहीं करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट अगर हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो अपेंडिक्स हमको दिखता है राइट यू कैन सी द अपेंडिक्स तो इसका एक पॉइंट ऑफ उस टाइम पे क्या था, काम था नेचर में पहले इसका काम यह था कि जब ह्यूमंस मैंने बताया था अपने अर्लियर वीडियो में भी ह्यूमंस क्या थे, पहले रॉ फूड खाते थे तो ह्यूमंस पहले रॉ फूड खाते थे और वो रॉ फूड क्या होता था वो पूरी तरह से पचता था उनको बिकॉज ये अपेंडिक्स की वजह से यह हम मानते बिकॉज अपेंडिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेल्यूलोर्स विच इज नॉट विच इज नॉट नाउ पॉसिबल फॉर डाइजेशन बाइ ह्यूमन बींग्स राइट अपेंडिक्स है बट वो अभी फंक्शन करता है क्या नहीं राइट right? ये हो गया एक पार्ट तो अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इट इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल इन ह्यूमनेंस रूमिनेट्स मतलब क्या होते हैं आपके जो काव देखोगे राइट right? उनके अंदर एक प्रोपरली फंक्शन है इसके लिए काउ को देखोगे वो घास चबाते रहता है और वो खाते रहते हैं right? राइट उनका अपना एक प्रोसेस है यूमिनेशन खाके वो लोग वापिस क्या करते हैं काइंड ऑफ उल्टी जैसा करके वापिस अपने जबड़े पे लाते हैं और वापिस उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं तो वो अबिलिटी उनके पास है राइट right, एक पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास भी था जब हम जानवर थे राइट right? फिर हमने जैसे जैसे हमने खाने को क्या किया हमने रॉ फूड्स को धीरे धीरे उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया इसकी एबिलिटी को खो लिया ठीक है जैसे अगर हम लोग बात करें मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना राइट जो ह्यूमन को यूजलेस है क्योंकि हम उनको हिला नहीं सकते बट मंकी हो गया डॉग्स हो गए ये लोग अपने ईयर पिन्ना को हिला पाते राइट right? तो बहुत सारे वेस्टिजल ऑर्गन से जैसे एक हो गया टेल बोन हो गया राइट right? अगर आप बात करो टेल बोन की तो टेल बोन सबके पास रहता है अब ध्यान से अगर अपना फील करोगे टेलबोन तो यू कैन फाइंड तो पहले हमारे पास टेल था जब हम लोग मंकी थे बट हमने उसके बाद उसको यूज करना बंद कर दिया धीरे धीरे और जैसे हमने यूज करना बंद कर दिया भले अपेंडिक्स हो भले विजडम टीथ हो राइट भले ईयर मसल्स हो राइट या फिर टेल बोन हो इनको हमने यूज करना बंद कर दिया तो सिंपल सी बात है नेचर इस पर एनर्जी अपना वेस्ट नहीं करेगा और ये ऑर्गन्स रहेंगे बट ये अपडेट नहीं होंगे ये मॉडिफाई नहीं होंगे और ये यूजलेस ही रहेंगे बिकॉज नेचर उस अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा और ये बात नहीं है आगे के टाइम पे भी अगर जैसे हम लोग ने अपने ऑर्गन को यूज कर नहीं किया इवोल्यूशन के के टाइम हिसाब से राइट एक दो साल नहीं मैं सिर्फ सौ दो सौ हजार साल के बारे में बात कर रहा हूं तो धीरे धीरे हमारे भी जो ऑर्गन है जो हम यूज नहीं कर रहे वो क्या हो जाएंगे यूजलेस बन के रह जाएंगे सो so, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें विजडम तीत का राइट मैंने बता दिया विजडम तीत का कि बहुत पहले के हिसाब से हमारे जो जॉ था राइट वो बहुत बड़े थे राइट जॉब क्यों बड़े थे बिकॉज हमको फूड अचीव करने पड़ते थे राइट और आज कैसा है कि हमारे जॉब छोटे क्यों बिकॉज हम उतना ज्यादा अचीव नहीं करते बट विजडम दिट तो प्रेजेंट था ठीक है आज भी प्रेजेंट है राइट और वो प्रेजेंट है तो इसमें क्या हो रहा है कि एक टाइम पे ये लोग यूजफुल थे बट आज ये लोग यूजफुल नहीं है राइट और सेम हो गया विद द बॉडी हेयस आल्सो उसके बाद हम लोग देखेंगे ईयर मसल्स भी मैंने बता दिया तो दिस वॉस कि ये सब चीज से क्या मालूम पड़ता है कि ये सब ऑर्गन्स हमारे पास पहले थे बट आज ये फंक्शन नहीं है आज ये फंक्शन भले नहीं होते बट एक टाइम पे लोग फंक्शनल थे तो दिस अगेन शोज दैट वी ऑल हैड अ कॉमन एजिस्टर और हम इवॉल्व इवोल्यूशन के हम इवोल्यूशन के प्रोसेस में हमने बहुत सारी चीजें अपडेट की और बहुत सारी चीजें लॉस्ट भी की दूसरा आपका एविडेंस आता है पैलेंटोजिकल एविडेंस तो पैलेन्टॉजिकल एविडेंस क्या बोलता है आप अगर ध्यान से देखो तो पैलेंटॉजिकल एविडेंस कि आप देखोगे इनके फॉजुल्स को देखोगे जब भी भी आप देखते हो राइट फॉजुल्स को आप देखोगे राइट तो उससे चीज क्या क्लियर होती है उससे चीज ये क्लियर होती है नॉर्मली कि हमारे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली मे अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म मिलियन ईयर्स ऑफ एगो और सर हमने नाइन्थ में पढ़ा है कि हम लोग बोलते हैं कि सर रेप्टे एवस आय मैम्स है एक प्रॉपर हम लोग बोलते सीक्वेंस में इवोल्यूशन हुआ है तो इतना श्योर कैसे हो सकते कि नहीं पहले एवस आए उसके पहले रेप्टाइल्स आए एव्स के बाद मैमल्स है हाउ यू कैन बी श्योर श्योर राइट आप इतना श्योर कैसे हो सकते हो तो ये जो इसका आंसर है राइट right? इसका जो आंसर है इसका जो ये जो सीक्रेट है इसका एविडेंस कहाँ पे हिडन है इन द अर्थ

अभी हम लोग स्टडी किसके बारे में करने वाले कि हमको फाइंड कैसे करते कि सर ये हुआ ये राइट right? कि जो ये एनिमल था या फिर ये जो भी फजिल था वो आपको कैसे पता चलता है कि उसका एज कितना है राइट right? ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे भी पूछते कि सर हमको कैसे पता चलता है कि इतने एज में ये हम ये इसका एज इतना रहेगा ये प्लांट का एज इतना रहेगा जो हमको जमीन में मिलता है राइट right? इतना एक्यूरेट कैसे हो सकते तो इसका आंसर क्या है कार्बन डेटिंग मेथड के हिसाब से राइट right? जो मैंने डीपली आपको ना एक वीडियो में समझाया राइट आप वो वीडियो ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कार्बन डेटिंग मेथड में बट अगर, अगर आप इसके हिसाब से देखोगे कार्बन डेटिंग तो कार्बन डेटिंग मतलब क्या होता है कि नॉर्मली कैसा होता है कि दो आइसोटोप्स होते हैं राइट एक होता है कार्बन mm. 14, एक होता है कार्बन ट्वेल्व जिसमें से कार्बन फोर्टीन आइसोटोप्स क्या होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं कार्बन फोर्टीन आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव राइट सबको पता है आइसोटोप्स क्या है आइसोटोप्स की हम जब बात करते हैं तो डिफरेंस किस में आता है डिफरेंस किस में आता है गाइस हम लोग डिफरेंस किस में आता है मास नंबर में राइट right? तो जब कार्बन कंज़प्शन की हम लोग बात करते हैं तो कार्बन कंज़प्शन ऑफ है बट ये रेडियो एक्टिव है और जैसे ही एनिमल और एनिमल प्ला, और प्लांट इनके अंदर तो रहता है जैसे ये मरना स्टार्ट होते हैं मतलब उनका डेथ हो गया मरने के बाद उनका जो डीकिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है कार्बन फोर्टिन भी धीरे 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 क्या होता है डीके होना स्टार्ट होता रहता है तो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की हम लोग बात करेंगे तो दे रिमेन कॉन्स्टेंट द रेशियो ऑफ कार्बन फोर्टीन टू कार्बन ट्वेल्व चेंजेस कंटिन्यूसली कार्बन ट्वेल्व नॉन रेडियो है कार्बन फोर्टीन क्या है रेडियो है तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे डीके होता रहेगा राइट हमको इसकी हाफ लाइफ पता होती है राइट इसकी जो हाफ लाइफ होती है हम बोलते हैं अप्रोसीमेटली फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड समथिंग ऐसा ईयर से थर्टी फाइव ऐसा कुछ ईयर से राइट right? तो इसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितना कार्बन फोर्टीन कंज्यूम हो गया कितना डीके हो गया और कितना बचा है और उसके हाफ लाइफ के हिसाब से कंपेयर करके हमको पता चल जाता है कि ये जो फॉजिल है जो प्लांट है ये जो एनिमल है, है उसका एज कितना था तो जैसे टाइम पास होता है द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाई मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द कार्बन दिन एंड द रेशियो ऑफ कार्बन फोर्टिन टू कार्बन ट्वेल्ल प्रेजेंट इन द बॉडी राइट तो ये चीज सबको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि

जो फिल है वो कितने साल पहला पहले का है क्यों एक्सटिंक्ट हुआ उस क्या क्या कंडीशन थे जहां वो सर्वाइव कर रहा था और इससे हमको मालूम पड़ा कि जो वर्टिब्रेट्स आए राइट वो भी ओरिजिनेट किससे हुए इन्वर्टिब्रेट्स से मतलब पहले कौन है इनवर्टिब्रेट्स जिनको स्पाइनल कॉर्ड नहीं था नाइन्थ में पढ़ा था फिर धीरे धीरे क्या आया हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स से कॉर्डेट्स आए स्पाइनल कॉर्ड आए तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम में सो so, अगर हम लोग डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम तो हमको दिखेगा कि ये यह यहाँ पे क्या दिया बहुत सारे एरास दिए केरा राइट केरा मेजोजरा केरा आप देख सकते हो ये सब एरास के बारे में बात किया गया राइट और लास्ट हम देखते तो ये पूरा कनेक्टिंग लिंक्स है कि यहाँ पे आप देखोगे तो इनवर्टिब्रेट्स का रेन था ठीक है इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे फिर ऊपर आप देखोगे जिससे ऊपर जाओगे तो आप देखिएगा देखेगा रेप्टाइल्स एम्फीबिया फिर रेप्टाइल्स बने फिर मैमल्स बने क्योंकि हमको जो फॉजिल्स मिलते हैं ना गाइस फॉसिल्स पे ऐसे ही मिलते हैं, right? राइट हमको सबसे पहले मिलते हैं, फिर धीरे धीरे फिशेस के मिलने स्टार्ट होते फिर फिशेस हो रेप्टाइल्स के बाद के दिखने स्टार्ट हुए? मैमल्स के तो डिक तो आपको मैमल्स दिखेंगे और अंदर जाओगे तो फिश के तो दिखेंगे तो ये खुद नेचर खुद अर्थ बता रहा है कि ये ऐसे लेयर फॉर्म में क्या हुआ बरिड हुए कार्बन डेटिंग का यहां पे जो था मैंने बताया था कार्बन डेटिंग मेथड राइट right? वो किसके ऊपर डिपेंड है रेडियो एक्टिव डीके पे नेचुरली नेचुरऑकनिंग कार्बन फोर्टीन राइट right? ये मेथड किसने डेवलप किया था विलाड लिबी ने किया था राइट right? उनको नोबल प्राइज मिला था उसके लिए राइट right? देख लो आप इनका डायग्राम ठीक है अभी लास्ट में आते हैं कनेक्टिंग लिंक्स तो कनेक्टिंग लिंक्स की हम लोग बात करते हैं फिफ्थ एविडेंस की हम लोग बात करेंगे तो आप ध्यान से देखोगे कनेक्टिंग लिंक्स के हिसाब से तब तो को दिखेगा डगबिल प्लेटिपस लंग फिश और पेरीपाइटस ये देखो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना ये कॉमन एंजिस्टर्स है अब मैं आपको इतने टाइम से मैं बता रहा सेमन कॉमन 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 ये है क्या कॉमन एनसिस्टर वो होते जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैंने एग्जाम्पल ले लिया और मैंने बता दिया एम्फीबियन के हिसाब से एम्फीबियन बोल दिया तो एम्फीबियन जैसे हो गया फ्रॉग हो गया फ्रॉग गिल से भी सांस ले सकता है और वो नॉर्मली लंग से भी सांस ले सकता है तो वो एक एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक हो गया जो पानी और लैंड को कनेक्ट करता है पानी के ऑर्गेनिज्म को लैंड से कनेक्ट करता है तो मतलब क्या है कि पहले पानी में ऑर्गेनिजम्स आए पानी में ऑर्गेनिजम्स आने के बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो ऐसे डेवलप हुए जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते फिर धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू टू डिफरेंट ग्रुप्स इनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक जैसा एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया पेरीपैटस तो पेरीपैटस को आप देखोगे तो उसका उसके पास सेगमेंटेड बॉडी है थीन क्यूटिकल मतलब कवरिंग आउटर का और पैरापोडिया लाइक ऑर्गन राइट ये पेरीपेटस आप देखोगे आप इसको देखो एक्चुअली अगर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि में लेग्स थे बराबर और आपका सेगमेंटेड बॉडी अलग एक पैटर्न था बट ये जो ऑर्गेनिज्म है अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपको क्या दिखेगा आपको दोनों चीज दिखेगा आपको लेग्स भी दिख रहा है और आपका बॉडी इसका क्या है सेगमेंटेड भी है राइट right? तो एक बार वापिस समझते ताकि हमको क्लियर हो क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ तो इन द कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी है, है राइट like ट्रकिया से, से, right? से रेस्पायर कर रहे और उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ओपन है किसकी तरह की तरह तो इससे मालूम पड़ता है कि एनलिडा हमने ये नाइन्थ में तो पढ़ा था एनलिडा मतलब क्या बॉडी क्या है सेगमेंटेड है राइट right? उसके बाद क्या था आर्थरो Right? राइट जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनका रेस्पिरेशन कैसे होता है ट्रकिया से होता है ये दोनों अलग ग्रुप है बट इन दोनों को कनेक्ट करने वाला हमको एनसिस्टर मिला सर मिला ना सर और वो कौन है पेरिपेटस। तो पेरीपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनलीडा एंड द आर्थ्रोपोडा ये ये हो हो गया गया फिर आप देखोगे ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल दूसरा एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे तो इससे जैसे हो गया डग बिल तो डग बिल प्लेटिप है ना ये रेप्टाइल जैसा एग ले करता है अंडा देता है बट ये मैमल जैसा रिलेशन भी शो करता है क्योंकि इसके पास ग्लैंड है तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको जानना है अगर आपको जानना है कि मैमल्स अगर आपको जानना है कि मैमल्स और रेप्टाइल इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताओ जिसके अंदर रेप्टाइल और मैमल्स दोनों की प्रॉपर्टी थी कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे तो मैं बोल दूंगा डगबिल प्लेटिपस बिकॉज ये अंडे देता था रेप्टाइल्स के हिसाब से और इसके पास मेमोरी मैमरिक्लैंड से जो हम लोग नॉर्मली मतलब मिल्क फीड करते बेबी को राइट तरह? सबसे. भी ऐसे ही है. क्या होता? करते बट लंग right? ऐसा फिश है जो लंग से रेस्पायर करती है तो इससे मालूम पड़ता है कि ऐसे ऑर्गेजम थे हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेजम थे जो लिंक थे तो इससे इंडिकेट होता है मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स एम्फीबियन एंड फिश तो ये आपको कनेक्टिंग लिंक मिला कि जो जो मैमल्स है वो लोग रेप्टाइल से भी आए एम्फीबियन से भी आए और फिश से भी आए सब लोग लिंक्ड है सब लोग लिंक्ड है ओके देन हम लोग बात करेंगे एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस तो एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस के अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे एम्ब्रियो आपको क्या देखेंगे अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियो है राइट सारे के सारे क्या एनिमल्स है आपके अलग अलग एनिमल्स है उनके अलग एम्ब्रियो है एम्ब्रियो मतलब जो इवोल्यूशन में हम लोग इवोल्यूशन बोलते हो एम्ब्रोलॉजी में हम लोग जो फिटेस हिसाब से बात करते हैं राइट उनका यहाँ पे बात किया गया है तो सबके सब अलग है बट इनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व ऑब्जर्व सबके सब अलग सब 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 दिख रहे हैं बट इनको ध्यान से देखोगे इनके एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम में ऑलमोस्ट सबके सब सेम दिख रहे राइट right? तो कंपेरिटिव स्टडी भी हम जब करते हैं ना गाइस एम्ब्रोडिक डेवलपमेंट में वर्टिब्रेट्स हो इनवर्टिब्रेट्स हो सब एनिमल्स के बारे में

Understood? Thank you.